भारत ने मांगे शहीदों के शव, पाक आर्मी बोली पहले रवीना भेजो। भारतीय सेना का जानलेवा जवाब, फ्रॉम रवीना विद लव। पाकिस्तान की सेना इंसानियत का दामन छोड़कर हैवानियत की हदें पार करने के लिए दुनिया भर में कुख्यात है। आज भले ही पाक आर्मी के पास अपनी टैंकों में भरने के लिए पेट्रोल और डीजल ना हो, मगर नीयत हमेशा खराब ही रहती है। करगिल की जंग के दौरान तो इस नापाक आर्मी ने नीचता की सारी हदें लांघ डाली थी, जब कैप्टन सौरभ कालिया और उनकी टीम को धोखे से पकड़कर टॉर्चर करते हुए मार दिया गया था। जब भारत ने अपने शहीदों के शव वापस मांगे तो जवाब में पाक सेना के अधिकारियों ने कहा, अगर शव चाहिए तो रवीना टंडन को भेजो। पाक की वो नापाक मांग। साल 1999 करगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तानी सैनिकों की घुसपैठ हो गई। पाक फौज ने पहाड़ियों पर गश्त करने गई भारतीय सेना की एक टीम को धोखे से मार डाला। जवाब में भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की कमर तोड़ दी और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। मगर कई दिनों तक चली इस जंग के दौरान कई भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। जब भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के फौजियों से उनके शव की मांग की तो जवाब मिला, रवीना टंडन और माधुरी दीक्षित को भेज दो, हम शव दे देंगे। पाकिस्तानी फौजियों की यह मांग बचकानी जरूर थी, लेकिन ये रवीना टंडन की पॉपुलैरिटी का एक नमूना भी था। इंडियन आर्मी का जवाब, पाक पर दागा रवीना बम। फौजियों के अलावा जब पाकिस्तान के पूर्व सीएम नवाज शरीफ ने रवीना के लिए अपनी दीवानगी बयां की तो इंडियन एयरफोर्स ने इस बात का भरपूर फायदा उठाया। करगिल वॉर में एयरफोर्स द्वारा पाकिस्तान में एक मिसाइल दागी गई थी जिस पर लिखा था, रवीना टंडन की तरफ से नवाज शरीफ को। दोनों के नाम के साथ मिसाइल पर एक दिल और तीर भी बनाया गया था। भारतीय सेना की इस बेहतरीन ट्रोलिंग लेवल को आज भी याद किया जाता है। फैंस की दीवानगी। 2020 में रवीना ने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अपने फैंस को याद किया था। यह शख्स रवीना का इतना बड़ा प्रशंसक था कि उसने अपने सीने पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखवाया था, रवीना इज माई गॉड। एक्ट्रेस एक इवेंट में पहुंची थी जहां पिछले 24 घंटों से गुलाब के लिए उनका ये फैन उनका इंतजार कर रहा था। जब रवीना ने यह बात सुनी तो पहुंचकर उस शख्स से मिली और वो शख्स अपने आंसू ना रोक सका। सलमान को पसंद आई रवीना। रवीना टंडन एक जमाने के पॉपुलर डायरेक्टर रवि टंडन की बेटी हैं। इसके बावजूद उन्हें लॉन्च करने का क्रेडिट सलमान खान को जाता है। किरण जुनेजा के ऑनलाइन चैट शो इनसाइड टॉक में रवीना ने सलमान से अपनी पहली मुलाकात की बात की। एक्ट्रेस ने बताया कि प्रहलाद कक्कर के साथ इंटर्नशिप करते हुए उन्हें पहली फिल्म पत्थर के फूल मिली थी। रवीना के दोस्त बंटी ने एक दिन अचानक उन्हें ऑफिस के बाहर बुलाया और सलमान से उनकी मुलाकात करवाई। सलमान उस वक्त जीपी सिप्पी के प्रोडक्शन में बन रही अपनी नई फिल्म पत्थर के फूल के लिए नई लड़की तलाश रहे थे। रवीना के दोस्त ने सलमान को उन्हें देखने की सलाह दी और ये मुलाकात काम कर गई। रवीना टंडन का करगिल जंग से जुड़ा ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मनोरंजन जगत की हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।